और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज महर्षि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:15 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। जिस तरह चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। तो आज मार्गशीर्ष मास का दुर्गाष्टमी व्रत है। आज देवी दुर्गा की उपासना करने से आपके सभी मनोकामना पूरी होती है। देखो, यहाँ एक चीज आपको पॉइंट आउट करूँ, कभी कभी हम कहते हैं भैरव अष्टमी, भैरव जी की अष्टमी, अष्टमी तिथि भैरव जी से कोरिलेट करती है, ये क्या है? देखो, परमात्मा न नर है न नारी है, ईश्वर नर भी है और ईश्वर नारी भी है। तो जब हम दुर्गा जी की बात करते हैं तो बगैर भैरव के, बगैर शिव के दुर्गा का अस्तित्व संभव नहीं। तो इन्हीं अष्टमियों में से एक अष्टमी जो भैरव जी को समर्पित हो जाती है, तो अब आप, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, पूर्णता की प्राप्ति के लिए दुर्गा अष्टमी के साथ साथ भैरव अष्टमी मनाए जाने का प्रोविजन किया गया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बड़ा ही पूर्णता की ओर उसकी गति है। और ये विश्व आत्मा जिसका कि मानव जगत एक भाग है, ये अपूर्ण है, ये पूर्ण हो जाना चाहता है, और पूर्णता की ओर उसकी गति ही प्रगति है। अब इस प्रगति को कुछ कहते हैं कि डायलेक्टिकल है, हीगल ने कहा डायलेक्टिकल है, कार्ल मार्क्स ने उसको डायलेक्टिकल के साथ साथ मटीरियल भी जोड़ दिया उसमें कि विचार अंतिम सत्य नहीं, पदार्थ अंतिम सत्य। लेकिन सनातन जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, वो सचमुच विश्व आत्मा जो कि जिसका मानव जगत एक भाग है, जो अपूर्ण है, जो पूर्ण हो जाना चाहता है और पूर्णता की ओर इसकी है जो गति है, तो उसमें जो समग्रता का भाव है, सिर्फ नर ही नहीं नारी भी, परमात्मा संपूर्ण है। अगर दुर्गाष्टमी है तो भैरवाष्टमी भी। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात कह पाए। ये थी चर्चा आज दुर्गाष्टमी की। और अब बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:10 से कल दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा। अगर कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही आज देर रात 1:37 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला। अतः इस नक्षत्र वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली जो इसमें पैदा होते हैं, बड़े भाग्यशाली, बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के वृक्ष से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ी को, उसकी पत्तियों को, उसके निमकौड़ी के तेल को, उसके फल को, किसी भी प्रकार चीज़ को न तो नुकसान पहुँचाना चाहिए और न अपने इस्तेमाल में लेनी चाहिए। नीम से बनी औषधि भी नहीं खानी चाहिए। तो ये थी वरियान योग और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी में माता दुर्गा के विशेष मंत्रों की और इन मंत्रों का प्रयोग करके लाभ उठाने की। अगर स्टूडेंट्स करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो, आज दुर्गाष्टमी है, जब जिस चीज का समय हो तब वो कार्य करने से विशेष साधन होता है, उसमें विशेष रूप से चीजें बनती। दुर्गाष्टमी के दिन अब छात्र हैं, उनको विद्या चाहिए, तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब चर्चा करेंगे उस विशेष मंत्र की जिसके जाप से आपकी सारी परेशानियां तो हल होंगी ही, साथ ही आपको अपार धन संपत्ति और संतान की प्राप्ति भी होगी। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया की कृपा से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। इस मंत्र का आज जाप जरूर करिए। इन पंक्तियों का जाप करने से विशेष लाभ होगा। और समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए इन पंक्तियों का जाप करिए। सृष्टि स्थिति विनाशानाम
शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, तो उनकी सेहत में सुधार के लिए, स्वास्थ्य के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बिल्कुल एकदम स्वास्थ्य बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा और लॉन्ग पेंडिंग बीमारी जो है वो भी सब समाप्त हो जाएगी। घर में सुख संपदा स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का वास हो जाएगा। और अगर आपकी सुख समृद्धि तो थी लेकिन किसी की नज़र लग गई है तो जगत जननी का ये की स्तुति इन मंत्रों से करिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। इससे बहुत आनंद मंगल हो जाएगा। और अपनी समस्याओं और अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी भी मुसीबत से हर प्रकार से सुरक्षित रहने के लिए देवी के इस मंत्र का 51 बार जाप करें। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जादेश्वनेन च शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जानिस्वनेन च। और अब बात करते हैं आपके खुशियों के मंत्र के, यानी माता दुर्गा के किस मंत्र के जाप से आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जय। भाई अपनी माँ से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आप धड़ाके से कहिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम, हे जगत जननी मुझको सौभाग्य दो, मुझे आरोग्य दो, मुझे परम सुख दो, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जय। देखो जिसकी जैसी भावना होती उसको तादृशी, उसको वैसे ही यादृशी भावना यस्य, उसको सिद्धि भी वैसी ही होती। तो अगर आप जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया से आप जो मांगना चाहते हैं आप मांगिए, जितनी इंटेंसिटी के साथ आप मांगेंगे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको प्राप्त होगा। मांगिए, माँ में अपनी लौ लगाइए, माता में अपना अपनी श्रद्धा रखिए, अपनी भक्ति रखिए। इसको ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ये थी माँ दुर्गा के कुछ विशेष मंत्रों की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ और खास उपायों की। बता दूं कि आज की नक्षत्र स्थिति में ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी ब्राह्मण को इत्र भेंट करना चाहिए और पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज आपको माँ दुर्गा को इलायची के दानों और मोटे धागे वाली मिश्री का भोग पूरे भक्ति भाव के साथ लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद दुर्गा जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही देवी माँ को हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। अपने जीवन की गति को सुगम बनाए रखने के लिए, इसके साथ ही अपने जीवन को खुशियों से भरा पूरा रखने के लिए आज देवी जी को कच्चे नारियल की गिरी का भोग लगाएं। आपके जीवन की गति सुगम रहने के लिए साथ ही आपके जीवन में खुशियां भरी रहेंगी। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे या उपले पर जलाना चाहिए। आपको बिजनेस संबंधी यात्राओं में अवश्य सफलता मिलेगी।
अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख लें। इस खास उपाय से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने परिवार के अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज माँ दुर्गा के मंदिर में देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करें। इस साथ ही कोई अच्छी खुशबू वाली एक इत्र की शीशी भेंट करें और इससे आपको आराम पे अच्छा होगा सब कुछ। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांध कर देवी माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए और देवी माँ की विधिपूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर वापस लें और अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज 2 गोमती चक्र लेकर दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं और देवी माँ का आशीर्वाद लें। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आज मंदिर में भगवान को पीले फूल और फल अर्पित, साथ ही घी का दीपक जलाएं। अगर आप अपने जीवन में देवी माँ की कृपा बनाए रखना चाहते हैं, अपने कामों में परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उस कन्या को कुछ भेंट स्वरूप अवश्य देना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज दुर्गाष्टमी व्रत। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।